मेरे वास्ते बेकार है, मैं बहुत ज़्यादा पैसा ज़ाया कर लिया। बीबिया बंदे तो लिया धंधा करा दे करना कराना सी, मैं नहीं कराया। अच्छा की कहना सी, गलत काम कर? जेन कडो, मैं मेनू जेन नहीं पाया। उन्हें पीर बुला लिया, उन्हें मेरा बुरा असर किया। वन पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं वन पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त आपको जो मेरे साथ एक खातून नज़र आ रही हैं, अपने शोहर के साथ दाता दरबार पर सलाम करने के लिए आती हैं और शोहर जो है यहाँ पर छोड़ कर फरार हो जाता है। सारी कहानी क्या है इन माजी की ज़ुबानी जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि शोहर कहाँ से इनको यहाँ पर लेके आया और क्या झांसा देकर लेके आया और यहाँ पर छोड़ के इनको भाग गया है। और अब ये ज़ारो कतार रो रही हैं और अब बात करना चाह रही थी, बात करती इनसे जानते थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल जी? माँ जी जी ठीक हो बेटा। कितों आए हो? मैं गुजरात तो आई हूँ, गुजरात चाहूँ। की वाक्य होया? सारी कहानी दसो, जरा शोहर किस तरह इतने लैके आया तो फिर किस तरह झांसा दे के छड़ के चला गया? मैं निका इतों लाहौर ही किया, मेरे नाल निकाह किया, मैं अपना आई डी कार्ड बनवाना सी। उस तो बाद मैं निकाह किया। हाँ जी। दूसरी शादी है? मेरी दूसरी शादी, उसकी भी दूसरी शादी है। पहला शोर कितने? पहला शोर लाहौर, नशा तमाशा करता है, तो नहीं कुछ आई डी कार्ड मेरा नहीं सी। दूसरी शादी की? हाँ जी। कितनी देर हो गई? इन चार साल हो गए। बच्चा वगैरह? नहीं नहीं बच्चा नहीं है। अच्छा, फिर तो यह मैनू जिस तरह भी है ना बीबिया बंदे घर लिया क्या क्या करना है, मैं इस तरह नहीं किया। मैंने किसी घर छड आया उत्थे, उन्हें मैं कहने ये जेन कडो, मैं क्या मैनू जेन नहीं पाया। उन्हें पीर बुला लिया, उन्हें मेरा बुरा असर किया। मैं उसने दसिया आता मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर मैनू सेवन उतो मैं रही हाँ उत्थे गुजरात रही हाँ, गुजरात तो मैंने सेवन शरीफ खड़िया, सेवन शरीफ खड़ के चकमा दे के मैंने इतने छड गया। कहना तू इतें जोगी है? गार्ड ही ने उतो गार्ड बीबिया लैके आते रहन के मकान ले लेंदा सी। ते फिर एक बीबी जिस तरह मैं पता लगा बीबी आंदी है मैं वड्डा गोश्त नहीं खाती। मैं क्या लै बंदा हो तो उन्होंने पता ना लगे वड्डा गोश्त नहीं बीबी मेरी बेगम खाती। मैं क्या बीबी नहीं है, मैं नहीं जाना, तू जा, ये मेरा कुछ नहीं लगता। इतने मैं मारन लग पाया, इतने मैंने उन्हें बाहर करता, मकान खाली करवा दिता। कितना तुम छड़ के निकल गया? मैंने तो इतने दो साल ही हो गए छड़िया नूं, ते हुण आया, हुण आया कहिंदा तू मेरी बीवी है, तू मैनू छड्डी ना, मैनू छड्डी ना, मेरी बीवी सेवन लग्या, सेवन रखिया छे सात दिन उत्थे रख के किनारे इतने आ गया, तो इतने छड के चले गया। कहिंदा इतने रह, तू इतने जो गई हाँ, तू नहीं मेरा रिश्ता तेरे ना मेरा कोई नहीं है। पांच की कहना चाहते हो हुण सामने मीडिया? मैं कहना चाहनी जां मैनू लैके जाए, मैनू जाके ले जाएगा खतरा, तो मैनू बस तलाक दे दे। कोई ताड़े की पहले जरा शोहर से बच्चे वगैरह है ना? हाँ जी बच्चे। वो कितने ने? वो अपने प्यो को लिए हैं। कितने कितने साल देने? वो है एक बच्चा है 13 साल दा, एक 19 साल दा है। वो बच्चे उन्ना दे को लिया, उन्ना ने क्या कहा तू शादी की थी? शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ उन्ना क्या तू शादी की थी? चल बंदे को ली, चल बंदे को। तुम गलत किया? हाँ जी गलत किया, मेरा आईडी कार्ड नहीं सी है। बच्चे नाल जिंदगी गुजार ले? मेरा आईडी कार्ड नहीं सी है जी। दे बच्चे नाल जिंदगी गुजार मेरा बेटा आईडी कार्ड नहीं सी है। निकाह दे नाल आईडी कार्ड दा की ताल्लुक? उन्ना जो नादरा दफ्तर वाले ने कहा सी निकाह ना लियाओ। लेकिन बच्चे नाल जिंदगी गुजार लेने ना, शादी नहीं करनी चाहिए? असी मुलाजमत सा उथे गुजरात मुलाजम सा, तो सू कहीं नहीं इतने नहीं निकलना, तुम दहशतगार हो। फिर मकसद निकाह करा के हाँ। इस बंदे ने निकाह करा, फिर इस बंदे ने बच्चे कटे। फिर निकाह किस तरह हो गया? आईडी कार्ड तुम्हारे को आया नहीं जी? इन्हें बनवाया, इन्हें बनवाया, दोबारा बनवा? हाँ बनवाया। बच्चों के टाइम गुजार लेना, शोहर नशा करता सी, बच्चों ने टाइम गुजार लेंगे? हाँ गलती की, अब फुटपाथा तो आ गए हो, इतने हूँ रो रहे हो, हूँ जारो कतार रो रहे हो, परेशान हो, लेकिन यह जिंदगी तो अच्छी नहीं है। तमाशबीनी करके फिर किन्ना बीबी चाड़ देना। लेकिन शादी नहीं करनी चाहिए?
इस खातून ने अपने पहले शोहर को छोड़ा जो कि नशा करता था, और ये दो बच्चों की माँ है, दो इसके बेटे हैं, एक की उम्र 13 साल है और एक की उम्र 19 साल है। तो इसको चाहिए था कि अपने बच्चों के साथ रह लेती, उसके साथ गुजारा करती, बच्चे जो हैं वो शायद अपनी माँ को और अच्छी परवरिश यानी के साथ रखते और ये अच्छे तरीके से। बच्चा मेरा एक नशा करता है, बच्चे भी नशा करते हैं। हाँ, एक नशा करता है, एक छोटा है बच्चा, बहुत ज़्यादा बड़ा नशा करता है जी। ये हालात हैं जी, अब बच्चे भी हैं नशे पे लगे हुए हैं, वालिद भी नशे पे लगा हुआ था, अब इसने शादी की है और शादी के बाद जिस शोहर से शादी की है वो अब दरबार पर इस यानी खातून को छोड़ कर भाग गया हुआ है। अब ये यहाँ पर जारो को तार रो रही हैं और ये मुतालबा कर रही हैं कि अगर वो शख्स जो है, तो नाम क्यों था? सगीर अहमद गोगा टोलाला, ढोल बजाता है। हाँ जी, मशहूर है, दुकान दी मशहूर है जी, ढोल बजाता है जी, कह रही हैं ढोल बजाता है, और गोगा नाम बता रही हैं उसका था, और सगीर अहमद उसका नाम था, और वो यहाँ पर इनको छोड़ के फरार हो चुका हुआ है। लेकिन नाजिन जो खवातीन जो हैं जो घरों में बैठी हुई हैं और जो कि अपने शोहरों से तंग आकर गलत स्टेप ले लेती हैं, फिर उनको ऐसे इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यानी कि आपको चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ सरवाइव करें, जिस तरीके की ज़िंदगी आपकी चल रही होती है बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी ज़िंदगी के गुजारा करें। अगर आप दूसरी शादी के चक्कर में बढ़ते हैं तो फिर ये हाल जो है ना, यानी कि हो जाते हैं, फिर कभी कभी तो फिर पाँव में जूतियाँ भी नहीं होती और फुटपाथ जो है मुकद्दर बन जाते हैं। और जिस तरीके से इस खातून के साथ हुआ है, तो नाजिन कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ा कीजिएगा, अपने मेज़बान नई बड्डी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए 1 पॉइंट।